हेलो एवरीवन, आज का इमला का वीडियो कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए है और टॉपिक है बिरजू की मुसीबत। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ उसी के अकॉर्डिंग लिखना शुरू करिए और मेरी दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करिए और उसमें सुधार करिए। तो लिखना शुरू करिए। बस फिर क्या था, बस फिर क्या था, वह जोर जोर से, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा, माँ मैं तो आज मर गया हूँ, मैं तो आज मर गया हूँ, माँ ने उसे बहुत समझाया, बहुत समझाया, पर वह कब समझने वाला था। वह किसी तरह मानने को तैयार नहीं था कि वह जिंदा है। बस फिर क्या था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ मैं तो आज मर गया हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वह कब समझने वाला था। वह किसी तरह मानने को तैयार नहीं था कि वह जिंदा है। जब वह नहीं माना तो माँ ने कहा तुम हकीम साहब के पास जाओ, हकीम साहब के पास जाओ, वह तुम्हें दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे और फिर से जिंदा भी हो जाओगे। बात बिरजू की समझ में आ गई।
जब वह नहीं माना तो माँ ने कहा, तुम हकीम साहब के पास जाओ, वह तुम्हें दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे और फिर से जिंदा भी हो जाओगे। बात बिरजू की समझ में आ गई। पास के गांव के बिरजू पास के गांव के हकीम साहब के पास जाकर बोला, हकीम साहब मेरे बदन पर लाल धागा लग गया है, इसलिए मैं मर गया हूँ, माँ ने मुझे आपके पास दवाई लेने भेजा है ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं, ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। बिरजू पास के गांव के हकीम साहब के पास जाकर बोला, हकीम साहब मेरे बदन पर लाल धागा लग गया है, इसलिए मैं मर गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास दवाई लेने भेजा है ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊँ। हकीम साहब ने भी बहुत समझाया, कि वह मरा नहीं है, पर बिरजू को समझाना बहुत मुश्किल था। हकीम साहब ने भी बहुत समझाया कि वह मरा नहीं है, पर बिरजू को समझाना बहुत मुश्किल था। जब वह किसी भी तरह नहीं माना तो
हकीम साहब, हकीम साहब ने कहा, हकीम साहब ने कहा, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ और जाकर, और जाकर 2 दिन तक, 2 दिन तक खिचड़ी खाओ, खिचड़ी खाओ, इससे इससे तुम बिल्कुल ठीक, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जब वह किसी भी तरह नहीं माना तो हकीम साहब ने कहा, तुम घर जाओ और जाकर 2 दिन तक खिचड़ी खाओ, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही बने बेल आइकन को भी दबाइए और उसका उसमें सेलेक्ट फॉर ऑल करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिला करें। धन्यवाद।